हेलो दोस्तों, तो आज हम आए भावनगर के सरदार नगर में मिस्टर समोसा वाले के यहाँ, जो कि हमने सुना है ये बहुत अलग अलग वैरायटी के समोसे बनाते। तो आइए अंदर जाके देखते हम लोग। तो हमारे साथ है आज विजय भाई, जो कि भावनगर में दोनों जो मिस्टर समोसे के आउटलेट्स है उन दोनों आउटलेट्स को संभालते। आइए उनसे जानते। विजय भाई, ये दोनों आउटलेट आप संभाल रहे हो, यहाँ का रिस्पांस कैसा है आपको? रिस्पांस तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे पास जो भी आइटम है वो तो सारी यूनिक और टेस्टी फूल ही है। जो स्पाइसी खाने के शौकीन रहते हैं उसको मैं स्पाइसी खिलाता हूँ। अच्छा। जो स्वीट खाने के शौकीन रहते हैं उसको स्वीट मिलता है। और जो पिज़्ज़ा समोसा, मेरे यहाँ पिज़्ज़ा समोसा भी है। अच्छा। वो भी यूनिक भी है, वो भी फुली चीज़ी रहता है अंदर से। अच्छा। और उसके साथ हम लोग मायोनीज डिप भी प्रोवाइड करते हैं उसके साथ यहाँ भी, और फुली चीज़ी रहता है वो। बहुत अलग अलग वेराइटी के 18 टाइप के अलग अलग समोसे हैं यहाँ, पूरे अलग अलग फ्लेवर में। पनीर के भी है, सारे पास्ता का भी है, सो भी अलग अलग है। तो विजय भाई, ये आइडिया आया किसको था इतने वैरायटी के समोसे? मीठा समोसा तो मैंने कभी नहीं सुना था, तो ये समोसे में वैरायटीज लाने का आइडिया किसका था? अमित भाई मकवाना करके हमारे ओनर है, उसका बिजनेस 1986 से चल रहा है। पहले सादा समोसा का था, उसको भी एक आइडिया आया कि मैं कुछ जनता को खिलाऊँ ऐसा। अच्छा। कि यूनिक आइटम मिले उस लोग, तो उसका आइडिया है। तो विजय भाई, हम लोग बहुत एक्साइटेड है हम आपके समोसे टेस्ट करने के लिए। आप हमें सजेस्ट करो कौन से समोसे हमें ट्राई करने चाहिए। जो पहले तो मेरी बेस्ट आइटम जो आप स्वीट पसंद करते हो आप? हाँ, स्वीट तो पसंद है। स्वीट पसंद है ना, तो हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट चॉकलेट समोसा है। अच्छा। वो बेस्ट है हमारे यहाँ का। अच्छा। पूरा चॉकलेट आता है, अंदर भी चॉकलेट रहता है, उसके अंदर प्लस काजू बादाम का मावा रहता है, फिर चॉकलेट रहती है उसके अंदर, पूरा चॉकलेट का ही बनता है। और उसका पूरी भी चॉकलेट रहता है, और उसके ऊपर प्लस हम व्हाइट चॉकलेट का नॉर्मल स्पीसीज आते हैं, वो स्पीसीज भी ऐड करते हैं ऊपर से करने से के लिए। और दूसरा कौन सा ट्राई कर सकते हैं? दूसरा आप स्पाइसी खा सकते हो, तो स्पाइसी का भी हमारे पास बेस्ट आइटम है। फुल्ली स्पाइसी आएगा, ऊपर से पूरी भी उसका स्पाइसी रहेगा और अंदर मसाला भी उसका स्पाइसी रहेगा बिल्कुल। अच्छा, तो आइए दोस्तों दोनों ट्राई करते, जैसे कि विजय भाई ने बोला, अंदर जाते हैं और एक्सप्लोर करते।
दोस्तों सबसे पहले ट्राई करते हैं हमारा स्पाइसी समोसा। कभी इतने वैरायटी के समोसे देखे नहीं आज तक, ना ही टेस्ट किए। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसकी जो बार रेड चिली जो पेपर है बहुत बढ़िया, नाइस एंड स्पाइसी है, हल्का सा टेंगी, बहुत बढ़िया सूट कर रहा है, पहले को बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया है। तो अब हम ट्राई करेंगे व्हाइट सॉस पास्ता समोसा। पास्ता जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि व्हाइट सॉस में बनाया गया है, मैं कौन देख सकता हूँ इसके अंदर, तो चलिए ट्राई करते। बहुत अच्छा है दोस्तों, क्रिस्पी आउटसाइड, अंदर व्हाइट सॉस पास्ता का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है, कॉर्न के साथ परफेक्ट मैच हो रहा है, सॉस भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों आइए ट्राई करते हैं अब चॉकलेट ड्राई फ्रूट समोसा। मैंने तो कभी सुना नहीं है चॉकलेट ड्राई फ्रूट समोसे के बारे में, आइए टेस्ट करते। बेस्ट तरीका है दोस्तों हाथों से ही खाने का, इसको फोक नाइफ यूज़ मत करो, डायरेक्ट डिग इट इनटू इट और टेस्ट कर लो। वाओ दोस्तों देखो ज़रा, चॉकलेट ब्राउनी की तरह अंदर से लग रहा है, ऊपर चॉकलेट सॉस स्प्रे किया गया है और ये व्हाइट चोको चिप्स आप देख सकते हैं। इसको थोड़ी सॉस के साथ मैं टेस्ट करके देखता हूँ। बहुत बढ़िया है दोस्तों, पहली बार ट्राई किया है, बहुत बढ़िया, मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको चॉकलेट समोसा